कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हो गया सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोतर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोतर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ, श्रील प्रभुपाद को किसने प्रश्न किया है, हमारे सबसे बड़ा कर्तव्य बेटा की मतलब है संसार में हमारे बहुत कुछ कर्तव्य है, जैसे पिता माता की सेवा करनी चाहिए, परिवार को भी ध्यान देनी चाहिए हैं, और जगत में बहुत सारे हमारी कर्तव्य है। लेकिन प्रभुपाद को किसी ने प्रश्न किया कि ये सारे कर्तव्य में सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है। ध्यान देकर सुना प्रभुपाद क्या कहते हैं। आज विषय भी वही है। आज क्या विषय है? मानव जन्म का सुदुर्लभता है। आज विषय भी यही है, अभी भी सुन लेते हैं और शाम को भी सुन लेते हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं यही मनुष्य जन्म क्षण भंगुर वो अतीब दुर्लभ। कहते जो मानव शरीर है कैसे है, इसको भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना, भजहु रे मन श्री नंदनंदना आभाय चरणार वेंदरे दुर्लभ मानव जनम सत्संगे तारहुं रे भव सिंधु रे भजहु रे मन श्री नंदनंदना आभाय चरणार वेंदरे। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, बोले भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंदरे। कहते भगवान का जो चरण है, भगवान के चरण में अशोक अभय और अमृत श्री ठाकुर जी का चरण में। इसलिए मानव जन्म दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, ये जो मानव शरीर है ये दुर्लभ है, लेकिन दुर्लभता है लेकिन क्षण भंगुर है। बोले कैसे क्षण भंगुर? उदाहरण दिया है, कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नितिर। जैसे कमल पत्ते के ऊपर में पानी रखने पर वो किसी समय में भी वो पानी गिर सकता है। यदि ये मानव शरीर भी ठीक ऐसे ही है। अभी कोरोना आया था ना, कितना लोग चले गए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं एक तो ये मानव शरीर दुर्लभ है, केवल दुर्लभ नहीं बोले ये क्षण भंगुर है, कभी भी ये जीवन तुम्हारी नष्ट हो सकती है। काजे ही पाषंडता अपराध व वृथा कार्य समय ना नष्ट ना करे सकल रे सब छेड़े हरि भजन ही मन दिया उचित। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जीवन दुर्लभता है, जब जीवन दुर्लभ है क्या करनी चाहिए जीवन में, कि जितने पाषंडता है पाखंडता को परित्याग करते हुए, अपराध को दूर करते हुए, उल्टा पुल्टा काम में अपना समय को नहीं बिता करके सबसे हरि भजन ही मन दिया उचित। इसलिए क्या करो, ये मन को हरि भजन में ही ये मन को लगा दो
हैं, ये मन को हरि की भजन में लगा दो, क्योंकि ये जीवन बारंबार ठाकुर जी तुम्हें नहीं देने वाले। जगत में बहुत सारी कर्तव्य है, बहुत सारी कर्तव्य है, लेकिन भले ही जितने कर्तव्य आप क्यों नहीं करे, अभी तो कोई कर्तव्य कोई पूरी कर पाए, अभी तो कोई कर्तव्य हमने पूरी कर पाए ही, बात कर्तव्य को करते करते अभी तो किसको खुश कर पाए संसार में। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, अगर किसको बोला भजन करना, बोले भैया हमारी बहुत सारी कर्तव्य है ना, बहुत सारी हमारी कर्तव्य है, उसको खुश करना, उसको खुश करना, उसको खुश करना। गुरुदेव कहते थे, जिनकी खुश में तुम लगे हुए हो, अभी तक किसको खुश कर पाए? अरे बोलो, अभी तक कोई खुश हो पाए तुम्हारी पर, कोई भी खुश कर पाए? देखना हमारी पीछे हमारी चुगली के सिवाय कुछ भी नहीं होती है। लेकिन अगर हमने जीवन में एक कर्तव्य हमने पूरी कर दी, कौन कर्तव्य? भगवान की भजने की कर्तव्य। बताओ ध्रुव महाराज कौन सा कर्तव्य किया, प्रहलाद महाराज ने कौन सा कर्तव्य पूरी की, अम्बरीश महाराज ने कौन सा कर्तव्य पूरी की, हनुमान जी ने कौन सा कर्तव्य पूरी की, मीराबाई ने कौन सा कर्तव्य पूरी की, बताओ? मीराबाई जो भजन की सारा दुनिया उसको चुगली की नहीं, पति देवर जेठ ननंद सास यहाँ तक भी एक कुत्ता भी उसको पीछे नहीं छोड़ा हैं। राज रानी होकर के क्या संतों के बीच में हरी बोल करती रहती है, लेकिन मीरा ने अपना रंग को नहीं छोड़ा। देखो दुनिया में उसकी नाम हो रही कि नहीं। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं, तुम्हारी जितने कर्तव्य है जितने सारे कर्तव्य है, लेकिन कर्तव्य में जो मूल तुम्हारी कर्तव्य है हरि की भजन है। अरे एक कर्तव्य हम पूरी नहीं करने का वजह से जगत में जितने सारे समस्या है, जितने सारे समस्या है। इसलिए एक कर्तव्य को पूरी कर दो, तुम्हारे सारे कर्तव्य पूरी हो जाएगी। इसलिए भागवत में क्या बताए, कहते जगत में तुमको जन्म लेने पर कैसे पांच तरह का ऋणी से तुम्हें मुक्त होनी चाहिए हैं? बोले कौन सा ऋणी बताओ? देव ऋणी, पितृ ऋणी। इसलिए देव ऋणी, ऋषि ऋणी, हाँ देवर्षि भूताप्त। जगत में जन्म लेने पर बहुत सारे लोगों का हमें मदद लेना पड़ता है, उनका ऋणी, पिता माता का ऋणी, राज ऋणी, ऋषि ऋणी। यदि ये सब ऋणी से हमें मुक्त होनी चाहिए, लेकिन ये बताया केवल अगर तुम कोशिश ही करो एक ऋणी से मुक्त होने के लिए मुक्त नहीं हो सकते। एक ऋणी से भी जीवन में कोई पिता माता का ऋणी से कोई ऋणी बन नहीं सकता। पिता माता के पास में इतने हम ऋणी, उन्होंने जन्म दिया, अपना गर्भ में 9 महीना तक माँ ने धारण किया, अपना प्रसव पीड़ा को सहन किया, मुंह की खाना निकाल करके हमें हैं उन्होंने भोजन कराया। आप बताओ इतना रात को पिता माता को सोने नहीं दिया, बिस्तरा में टाटी पेशाब करते रहे, कितना हमने क्या नहीं किया हमें जीवन में। अगर सोचोगे ना, कहते एक पिता माता का ऋणी जिंदगी में कभी तुम ऋणी से उऋणी कभी नहीं बन सकते, तब तो तुम्हारा सारी ऋणी रह गया ना, फिर क्या करोगे? लेकिन कहते सर्वात्मना जो शरण शरण, लेकिन जो व्यक्ति श्री गोविंद देव का चरण में संपूर्ण रूप में शरणागत हो जाए, सारे ऋणी से उऋणी बन जाए, सारे ऋणी से। बोले क्यों? बोले जो ये विश्व ब्रह्मांड है वो किससे ऋण लिया है? भगवान से, बांके बिहारी से, मदन मोहन से, सबके सब जितने देवता ऋषि ऋणी, सबके सब श्री मदन मोहन का चरण में ऋणी है। जब हम मदन मोहन की सेवा करते हैं सारे ऋणी से तुम मुक्त हो जाओगे। इसलिए गुरुदेव एक उदाहरण देकर समझाया करते थे, बोले एक समय दो व्यक्ति हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को पास में कथा सुनाते थे। एक व्यक्ति तो बहुत धनी था और एक व्यक्ति बहुत गरीब था। जो गरीब व्यक्ति ने वो धनी व्यक्ति से उसी समय में 500 रुपया ऋणी लिया था। उस समय में 500 रुपया की बहुत कीमत होता है, हैं? कीमत होता है। अभी दोनों कथा सुनने के लिए आते हैं हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज से। अभी कथा सुनते सुनते तब केशव गोस्वामी महाराज क्या बोलते थे, देखो ये जीवन दुर्लभ है ठाकुर जी, बारम्बार ये जीवन तुम्हें नहीं देने वाले,
अगर ये जीवन पा करके तुमने हरि की भजन कर लिया तो समझना जीवन का सारे कर्तव्य तुमने पूरी कर ली। अगर तुमने दुनिया की सारे कर्तव्य पूरी कर की लेकिन भगवान की भजन अगर नहीं किया तो समझना तुम जीवन में कुछ भी नहीं, जीवन में तुमने कुछ भी नहीं किया। इसलिए जितने जल्दी पारनी चाहिए क्या करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं हे अर्जुन सारे धर्म को छोड़ करके तो मेरे शरण में आ जाओ। जब उन्होंने इस सब कथा सुनी, अभी जो गरीबी घर का जो व्यक्ति था उनकी मन में इच्छा होता था, गुरु जी सही कहते हैं मैं चाहता हूँ सब कुछ छोड़ करके गुरु जी की शरण में आए और संपूर्ण जीवन गुरु जी की सेवा करते करते जीवन को बिताए। लेकिन फिर सोच रहे हैं कैसे आ पाए, क्योंकि उनसे मैंने 500 रुपया उधार लिया, अगर जिंदगी भर भी उसको पूरी करने के लिए कोशिश करते मैं कभी पूरी कर ही नहीं सकता हूँ। इसका मतलब मैं कभी सब छोड़कर गुरु जी की शरण में नहीं आ सकता। तब उन्होंने एक दिन गुरु जी की पास में सारे बात बता दी। बोले गुरु जी मन में तो इच्छा होता है सब छोड़ करके आपका श्री चरण में आए और जीवन को भजन में लगाए। बोले आ जाओ कोई बात नहीं बेटा। बोले गुरुदेव आपका जो वो दूसरा शिष्य आता है ना वो धनी व्यक्ति, उससे मैंने 500 रुपया लिया है ऋण, अगर जिंदगी भर कोशिश करे तो वो 500 रुपया में कभी भी जिंदगी में ऋणी उसका कोई नहीं बन ही नहीं सकता हूँ। अगर मैं भजन करने के लिए आ जाऊँ वो व्यक्ति तो मेरे को छोड़ेगा नहीं। बोले पैसा लिया हो तो साधु बन गए हैं, पैसा माल निकालो पैसा दो फिर क्या करूँ। तब गुरुदेव ने कहा बेटा कोई चिंता मत करो, तुम सब छोड़ करके आ जाओ, मैं वो व्यक्ति को बोल दूंगा तुमसे सारे ऋणी से छुटकारा दे दो, आ जाओगे। बोले गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा होगी। तो जो पैसा वाला शिष्य आया तो गुरु जी ने बोले अमुक व्यक्ति ने तुमसे 500 रुपया लिया। बोले हाँ गुरुदेव। बोले देखो उसकी मन में इच्छा है वो मंदिर में आ करके रहे और संपूर्ण जीवन को ठाकुर को और मेरी सेवा में लगाए, उसको 500 रुपया तुम छोड़ दोगे। जब इतना बोले, बोले गुरुदेव अगर आप अगर आदेश करेंगे 500 रुपया की क्या मैं 1,00,000 रुपया भी उसको छोड़ सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही हम कथा सुनने के लिए आते हैं। लेकिन अभी तक मेरे मन में ये भावना नहीं हो पाई सब छोड़ करके गुरु जी की सेवा करो। कम से कम उसकी मन में तो ये भावना है आपकी सेवा करेगा तो 500 रुपया मेरे लिए किया कुछ नहीं, मैं छोड़ दिया गुरुदेव, वो आकर के भजन करते। गुरुदेव ये उदाहरण दे करके समझाया करते थे, कहते उसी तरह ये जो विश्व ब्रह्मांड है सबके सब किसके ऋण लिए हैं, गोविंद देव से, भगवान गोविंद देव से सबके सब ऋण लिए हैं। लेकिन जब हम भगवान श्री गोविंद देव को जब हम भजन करते हैं क्या होता है, सारे जितने देवा देवी पिता माता वो क्या करेंगे हमको सारे ऋणी से मुक्त करा देंगे, ठीक है ना। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भैया सब कुछ छोड़ छाड़ कर क्या करो, जितने जल्दी से जल्दी हो श्री मदन मोहन का शरण में आ जाओ, उनकी शरण में आ जाओगे तो सारे ऋणी से तुम ऋणी बन जाओगे। इसलिए अनेक जन्म पर यही मनुष्य जन्म लाभ हो अच्छे कहती है, जो जीवन है बड़े जीवन को बाद में, कितने जीवन को बाद में कहते 84 लाख जन्मों के बाद में ये मानव शरीर तुमको प्राप्त हुआ है और ये जीवन ठाकुर जी बारंबार नहीं देते। इसलिए कहते ये जीवन कैसे है, कहते जैसे हम ट्रेन में बैठे हो जैसे कोई स्टेशन आता है ना, जैसे आपको मानो जयपुर में आपको उतरना है ट्रेन में बैठे हो बस, कहते ये मानव शरीर क्या है, कहते ये स्टेशन है, मतलब ये मानव शरीर में तुम वहीं उतर सकते हो, वहीं पर तुम उतर सकते हो, अगर तुम वहां पर नहीं उतर तो क्या होगा, फिर गाड़ी तुम्हें और कहीं ले जाएगा, गाड़ी तुम्हें और कहीं ले जाएगा। इसलिए कहते जो मानव शरीर नहीं ये एक स्टेशन है, इसी स्टेशन में क्या कर सकते हो, भगवान की भजन करते हुए बस इस संसार से तुम उतर सकते हो। अगर उतरोगे नहीं तो भैया फिर तो कहीं कहीं घूमते रहोगे, फिर कहीं कहीं
घूमते रहो फिर 84 लग के जन्म में जाना पड़ेगा। इसलिए आर ए जन्म में सबसे दुर्लभ सुदुर्लभ नहीं। कहते जो मानव शरीर है, कहते हैं केवल ये दुर्लभ नहीं, ये जो मानव शरीर है वो अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं, लब्धा सुदुर्लभ मिदं बहु संभवान्ते। ये जो मानव शरीर है ये दुर्लभ नहीं, ये मानव शरीर अत्यंत अत्यंत, ये मानव शरीर सुदुर्लभ है। कहते यह अनित्य हले वो परमार्थ प्रद, कहते ये मानव शरीर तो अनित्य है, मानव शरीर अनित्य है, ये कभी भी नष्ट हो सकता है, लेकिन ये मानव शरीर में हम बहुत बड़ा एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और एक बार जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, देखो प्रभुपाद क्या कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं जो शरीर है ना ये जरदगव शरीर है, ये शरीर जरदगव शरीर है, मतलब है आप बताओ ये शरीर को बेचोगे तो कितना पैसा बिक सकता है, एक पैसा भी नहीं बिकेगा। ये शरीर तुम्हारी ना अगर बेचना चाहोगे ना, अंदर में क्या है, टाटी पेशाब खून पी, और ये मानव शरीर का मांस को कोई खरीद करेगा, बल्कि बकरी और हाँ दूसरे का मांस को कोई खरीद लेगा, मानव शरीर को कोई खरीद करता है। अब देखना मानव शरीर मरने के बाद छुआ तो उसको फिर स्नान करना पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो शरीर है ना ये जरदगव शरीर है, इसमें शरीर में कुछ भी नहीं है। अब देखो सवेरे उठे कि नहीं, सो करके अब देखना मुंह में बदबू है, नाक में बदबू है, हैं? 2 घंटा ब्यूटी पार्लर में जाओ सज धज करके, गर्मी का समय हो 5 मिनट के बोले बाहर निकल जाओ, क्या होगा, हर रोम रोम में बदबू आने से चल जाएगा, ठीक नहीं, बदबू और अंदर में टाटे। इसलिए प्रभुपाद कहते देखो ये जो शरीर है किसी काम का ये शरीर नहीं, बेकार ये शरीर है। लेकिन प्रभुपाद कहते है तो बेकार ये शरीर है, लेकिन ये शरीर से एक बहुत बड़ा काम कर सकते हो, क्या, हरि की भजन कर सकते हो, ठाकुर का सेवा कर सकते हो, ठाकुर जी की कीर्तन कर सकते हो। है तो जरदगव शरीर नश्वर है, लेकिन होने पर भी प्रभुपाद कहते हैं ये परमार्थ प्रद, इसी शरीर से तुम भगवान तक जा सकते हो, ठाकुर तक जा सकते हो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जितना हो ये शरीर को रगड़ करके हरि भजन में लगा, शरीर को रगड़ करके हरि की भजन में लगा दो, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है, हैं? कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए बुद्धिमान जीनी चतुर जीनी तिनी ए साधन देहटा थाकते थाकते अन्यान्य विषय कर्म सब छेड़ दिए क्षण मात्र विलम्ब ना करे चरम कल्याण राबरे चेष्टा करिवे। इसलिए कहते हैं जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान व्यक्ति वो क्या करेगा, जीवन पा करके जो चतुर है, जिस शरीर से हम साधन कर सकते हैं, जिस शरीर से हम हरि की भजन हरि का भक्ति हरि का नाम कर सकते हैं, यदि ये जीवन रहते रहते और किसी विषय कर्म में अपना मन को नहीं दे करके क्षण मात्र भी ये समय को नष्ट नहीं करते हुए क्या करो, अपना जीवन का जो चरम कल्याण है, चरम कल्याण क्या है, भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति जितना दूर हो सके भगवत प्राप्ति के लिए कोशिश करो। इसलिए एक नीति शास्त्र में एक श्लोक है, देखो ये क्या कहता है, बोले जिनको इसी जीवन में हरि भजन भक्ति करना, जिनको इसी जीवन में भगवत प्राप्ति करना है, जिनकी इच्छा है हम इसी जीवन में ही हम भगवान के पास में चले जाए, ठाकुर को पास में चले जाए, उसको क्या करनी चाहिए, अरे बोलो क्या करनी चाहिए, उनको ये भावना रहनी चाहिए
जो काल है ना हमारी चोटी पकड़ कर रखे, किसी समय भी ये खींच करके हमें ले जा सकते। कोई बोल सकता है हमने जो श्वास छोड़ा है दूसरा बार भी श्वास ले सकते? कोई बोल सकता है? किसके पास में गारंटी है यहाँ से हम घर तक ठीक से पहुंच जाए? कोई बोल सकता है? रोज न्यूज पेपर पढ़ो, घर से निकलते ही एक्सीडेंट, बैठी बैठ कर हार्ट अटैक हो गया है। इसलिए कहते कमल दल जल जीवन चलमल, जैसे कमल पत्ते के ऊपर पानी रखो किसी समय में लुढ़क सकती है ये जीवन भी, ठीक वैसे किसी समय भी नष्ट हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद वहां पर नीति शास्त्र में कहते हैं जिनको इसी जीवन में भगवत प्राप्ति करना, इसी जीवन में उसको कैसे भक्ति करनी चाहिए, उनको ये भावना रहनी चाहिए जो काल है ना हमारी चोटी को पकड़ रखा, किसी समय में भी ये चोटी को पकड़ करके ये काल हमें ले सकता है। किसी समय अभी हम मरेंगे, अभी मरेंगे, अगर जो व्यक्ति यही से सोचता है ना फिर ये क्या करेगा, फिर एक सेकंड भी समय नष्ट नहीं करेगा, ये तो अभी भी हम मर सकते हैं, लेकिन इसी जीवन में हरि की भजन करते हुए हरि के पास में हम जा सकते हैं। इसलिए कहते हैं लेकिन जिनको पैसा रोजगार कर उनको क्या करनी चाहिए, जिनको तो भगवत प्राप्ति करनी चाहिए उनको ये सोचनी चाहिए काल हमारी चोटी को पकड़ कर रखे, लेकिन जिनको पैसा रोजगार करनी चाहिए उनका कैसे भावना, बोले अजर अमर व्रत, उनको ये भावना रहनी चाहिए जिंदगी में हम कभी मरेंगे, जो भजन करना चाहते हैं समझना अभी मरेंगे, अभी मरेंगे सोचनी चाहिए, किस समय भी मर सकते हैं, लेकिन जिनको पैसा रोजगार करनी चाहिए इच्छा है उनको ये भावना रहनी चाहिए हम अजर अमर व्रत प्राज्ञम, हम कभी जिंदगी में कभी मरेंगे नहीं। अगर जो सोचता हम कभी मर सकते पैसा रोजगार करेगा, कभी तो मर सकते पैसा रोजगार कर किया होगा, लेकिन जो जानता है हम कभी मरेंगे नहीं वही व्यक्ति पैसा रोजगार कर सकता है। एक एक पैसा को जोड़ जोड़ करके, एक एक पैसा को जोड़ जोड़ करके वो रखता है, हैं? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भैया थोड़ी समय भी विलम्ब नहीं करते हुए क्या करो, हरि भजन करो। देखो हमारे एक प्रभुपाद का शिष्य थे, ध्यान देकर सुनो वो क्या कहते थे, बोले भैया एक सेकंड भी नष्ट मत करो। एक उदाहरण देते थे, अभी तो जैसे बच्चे हैं ना पेट माँ के पेट में अभी तो ऑपरेशन करके निकाल देते हैं, लेकिन पहले ऑपरेशन का व्यवस्था नहीं थी, स्वाभाविक रूप में बच्चा को जन्म होता था। वो उदाहरण देते थे एक समय एक माता जी एक बच्चे को जन्म दे रही थी, जब जन्म दे रही थी इतने में बच्चे का सर निकला, लेकिन पूरा शरीर शरीर से निकल नहीं रहा है, किसी तरह से कोशिश किया गर्भ से निकलने के लिए किसी तरह से बच्चा निकल नहीं रहा, केवल सर ही निकला। जो डॉक्टर था उनका परिवार को बुलाया, बोला ऐसे अवस्था बताओ क्या करनी चाहिए, तब परिवार बोले बताओ क्या करनी, बोले दो उपाय हैं, बोले तुम फल चाहते हो ना पेड़ चाहते हो बताओ, पेड़ चाहते ना फल चाहते हो, पेड़ कौन माँ है ना माँ पेड़ है, कहते अगर पेड़ रहेगा तो फिर फल आएगी, फल फिर आएगी मतलब बच्चा जन्म हो सकता है, लेकिन अगर तुम फल चाहते हो अरे ये पेड़ को नष्ट करना पड़ेगा, मतलब अगर तुम संतान को चाहते हो अरे ये माँ को मृत्यु मरना पड़ेगा, बताओ क्या चाहते हो। तब बोले भैया अगर पेड़ रहेगा तो फल आने का संभावना है, इसलिए हमें पेड़ चाहिए मतलब माँ चाहिए, भले ही बच्चे नष्ट हो जाए। तब वो कह रहे थे अरे बच्चों कैसे निकालेंगे, बच्चा जिंदा उसको टुकड़े टुकड़े करते करते मांस को टुकड़े टुकड़े काट काट करके गर्भ से उसको निकालना पड़ा, उसको गर्भ से निकालना पड़ा। तब वो प्रभुपाद का शिष्य कहते थे तुमको तो एक जीवन नहीं, जब तुम कसाई को हाथ में जाते हो ना टांग बकरी को देखना क्या करते, टांग लट्टा करके जिंदा जिंदा चमड़ा उतार देते, एक जीवन नहीं, कितने जीवन तुमने ऐसे जीवन बिताया, मुर्गा बने तो कैसे मारते हैं देखना, जैसे कपड़े को निचोड़ देते हैं ना ऐसे ही आप देखे हो मुर्गा को जिंदा जिंदा उसका जो पंख होता है ना जिंदा जिंदा शरीर से खेच खेच कर तो उसका जिंदा जिंदा पंख को निकालते हैं, ऐसे हमें कितना जीवन बिताना पड़ा। वो कहते थे अगर ये चीज का स्मरण करोगे ना एक सेकंड भी, वो कहते थे एक सेकंड भी तू नष्ट नहीं करोगे, क्यों
फिर ये जीवन नष्ट नहीं हो जाए, फिर हमें ऐसे जीवन में जाना पड़ेगा। और ये मानव शरीर ऐसे एक जीवन है जिस जीवन में तुम हरि की भक्ति करते हुए इस जीवन में तुम भगवान तक जा सकते हो, इस जीवन में तुम भगवान तक जा सकते हो। वो कहते थे, उनका नाम था अनादि कृष्ण प्रभु, हम देखते थे एकदम सवेरे सवेरे उठ करके 2-2.5 बजे उठ जाते, 3 बजे, और जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, जोर जोर से बाबा हरि नाम करते थे, जोर जोर से हरि नाम करते थे, हैं हरि नाम करते थे। इसलिए यहाँ कहते हैं चरम कल्याण लाभ करते होले सतगुरु पदाश्रय करता हाईवे। अगर इस जीवन में हम अपना चरम कल्याण अगर चाहते हैं, हमको क्या करना पड़ेगा, हमें सतगुरु का चरण को हमें आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। सतगुरु अमार बहिर्मुख रुचिर अनुकूल कथा बोले ना, हमारे सबसे बड़ा कर्तव्य एकमात्र कर्तव्य नित्य कर्तव्य जे कृष्ण भजन सही भगवत भजन कथा बोले। यहाँ पर कहते हैं गुरु भी बहुत तरह का है, एक सदगुरु भी एक असदगुरु भी है। इसलिए कहते जो असदगुरु है वो कौन है, शंकर जी पार्वती को कहते हैं गुरु भव संति शिष्य बीत बहार का दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संता बहार का। शंकर जी कहते हैं पार्वती जगत में बहुत गुरु तुमको मिलेंगे जो कि केवल तुम्हारी संपत्ति की तरफ में उनका नजर रहेगा, हैं संपत्ति का तरफ में तुम्हारी केवल उनका नजर रहेगा, हैं कहते वित्त हरणकारी लेकिन दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संताप हार को। पार्वती जगत में जो सदगुरु वो बड़ा दुर्लभ है जो सचमुच से जीव का दुख को जो हरण करने वाला है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो सदगुरु है वो कभी भी हमारी मन की मुताबली बात नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, हर समय हमारे मन का विरोध काम खोलेगा। क्योंकि आप देख लेना हमारा मन किधर जाता है, हर समय गंदी चीज में भागता है ना, गंदी चीज में भागता है। इसलिए प्रभुपाद को जब किसी ने बोले बोले प्रभुपाद अगर आप 2 चीज को छुटकारा दे दोगे ये सारे संप्रदाय केवल एक संप्रदाय में आ जाएंगे। क्योंकि प्रभुपाद जिस समय आकर के प्रचार कर रहे थे, अपना गौड़ीय भेज रहे थे, अपना ब्रह्मचारी सन्यासियों को गांव गांव में घर घर में भेज भेज करके प्रभुपाद प्रचार प्रसार कर रहे थे, ऐसे प्रचार कर रहे थे प्रभुपाद की कथा इतने ब्रजवती कथा थी, सारा दुनिया में टहलका मचा दिया था प्रभुपाद। इसलिए प्रभुपाद को बोले अगर 2 चीज आप छुटकारा दे दो, एक चाय और एक बीड़ी, एक चाय और एक बीड़ी, बोले ये 2 चीजें हमारे संप्रदाय में चलेगा, सारे संप्रदाय का लोग आपकी एक ही संप्रदाय में आ जाएगा, अरे कोई दूसरे संप्रदाय रहेगा नहीं। प्रभुपाद क्या बोले, बोले हमें 1000 तारों की जरूरत नहीं, केवल एक चंद्रमा की जरूरत है। एक चंद्रमा क्या करता है, सारा दुनिया को आलोकित कर देता है, लेकिन 1000 चंद्रमा भी कुछ भी नहीं कर पाते, अंधकार दूर कर देते नहीं कर पाते। इसलिए प्रभुपाद कहते जो सद्गुरु है वो क्या करेंगे, वास्तव रूप में हमारी कैसे कल्याण है, ओ वास्तव में आत्मा की शांति कैसे मिले ये रास्ता बताएंगे, तुम्हारी मन जो चाहता है वो चीज को कभी भी नहीं बताएंगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं सद्गुरु अमर बहिर्मुख रुचि कुल कथा बोले ना, मैं कहते जो सद्गुरु है हमारी जो बहिर्मुख जो रुचि है वो सब बात को नहीं बोलेंगे। बंगाल में बहुत ऐसे संप्रदाय बोले तुम्हारी आत्मा आत्मा चाह रहा है ना मांस मछली का ना खाओ, क्यों आत्मा को कष्ट नहीं देनी चाहिए, लेकिन उनको पता नहीं आत्मा कोई और मन भी कोई चीज है, वो आत्मा थोड़ी चाह रहा है, आत्मा तो केवल प्रभु की भजन करना चाहता है, ये दुष्ट मन ही जितने गंदगी में जाना चाहते हैं। हमारे सबसे बड़े कर्तव्य एकमात्र कर्तव्य नित्य कर्तव्य जो कृष्ण भजन सही भजन कथा बोले। इसलिए हमारा जो सबसे जो बड़ा कर्तव्य है हरि का भजन, हरि की भजन एक ही कर्तव्य है जीवन में, क्योंकि जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम कृष्ण का नित्य दास है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं ना
हे प्रभु मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं तो आपके चरण का सेवक हूँ। ये भाव कभी भी जैसे मेरे मन से कभी मन से नहीं जाए। कहते सही भगवत भजन कथा बोले जगत लोक आमार रुचि अनुकूल कथा बोले आमार आकृष्ट करचे आमार प्रिय होते चाचे। लेकिन जो साधारण जगत का लोग क्या करते हैं, हमारी मन की अनुकूल की बात करते हैं, हमारी मन ये दुष्ट मन जो चाहता है वो चीज को साधारण लोग वो सब बात को बोल कर क्या करना चाहते हैं, हैं? क्या करना चाहते हैं, कहते हमको आकृष्ट करना चाहते हैं, हमारे प्रिय बनना चाहते हैं। लेकिन नहीं, वो हमारी प्रिय नहीं, वो हमारी शत्रु है, वो हमारी शत्रु है, हैं? लेकिन जो सचमुच से शास्त्र का बात करते हैं वो हमारी ही असली वास्तव रूप में वही हमारी प्रिय है। किंतु जिनी आमा के यही भावे हिंसा करते चान ना सती सती आमार दुख कातर आमार व्यथार व्यथार व्यतीत जिनी सही दर्दी परम बांधव श्री गुरुदेव। कहते यहाँ किंतु जिनी आमा के यही हिंसा करते चान ना, बताए ना जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। साधारण रूप में जीव हिंसा किसको कहते हैं, मांस खाना मछली खाना जीव है, इनको नहीं खानी चाहिए ये जीव हिंसा। लेकिन ये प्रभुपाद कहते हैं ये जीव हिंसा नहीं है, ये जीव हिंसा नहीं, ये शरीर को मारना है, इसको जीव हिंसा नहीं कहते। जीव कौन है, जीव मेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान का नित्य सेवक है। उसको जो हिंसा करते हैं मतलब क्या है, जो हमें शुद्ध भक्ति की बात नहीं बता करके हमें ज्ञान कर्म योग तपस्या का तरफ में जो ले जाते हैं, वास्तव रूप में यही हिंसा है। हमें जो शुद्ध भक्ति की बात नहीं करके अशुद्ध भक्ति का तरफ में जो ले जाते प्रभुपाद कहते हैं यही असली जीव हिंसा है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हमारी मन की अनुकूल की बात करके हमें इधर उधर प्रभु की भजन से दूर करना चाहते वही असली रूप में वही हमें हिंसा करते जीव हिंसा। सती सती आमार दुख रे कातर, वास्तव रूप में प्रभुपाद कहते हमारी वास्तव रूप में असली बंधु कौन है, हम अपना असली बंधु कौन है, बोले असली बंधु वही है जो हमारी आत्मा का वास्तव रूप में हमारी आत्मा का जो कल्याण चाहता है। सचमुच से हमारे दुख में जो दुखित है, असली दुख क्या है, हम भगवान को भूल गए, असली दुख है भगवान को भूल करके ये माया अनित्य संसार में आकर के हम दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, यही असली हमारी दुख, यही असली दुख है। श्रीमद भागवत ए रूप मुक्त गुरुदेव काछे शरणागत होते उपदेश दिच्छे। इसलिए श्रीमद भागवत क्या कहते हैं, तस्मात गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम साब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मनुपसम। एक एक श्लोक याद करो, तुम लोग भी एक एक श्लोक याद करो, नियम बनाओ रोज रोज एक एक श्लोक याद करेंगे। कितना समय लगेगा, दो चार, अभी तो तुम लोग लिखा ही पढ़ाई हो, दो चार मिनट में एक श्लोक याद कर दो, ठीक है, मुंडी तो हिला रहे कुछ कर नहीं रहे। इसलिए वृंदावन में हमारे जो भक्त लोग हैं ना, हमारी वहां पर एक है जो गुड्डी दीदी जानती है और उनका नाम, हाँ उनको साथ में ये कर दो, वही से तुम उनसे रोज रोज एक एक श्लोक लो और बोलो हम आपको रोज रोज एक श्लोक सुना करके याद करके आपको सुनाएंगे। देखना एक एक महीना में 30 श्लोक हो जाओगे, पंडित बन जाओगे एक महीना में। और एक श्लोक याद करना कोई बड़ी वाली बात नहीं, अभी तुम्हारी बुद्धि एकदम एकदम कच्ची एकदम, हैं पढ़ाई लिखाई कर रहे हो ना, अब दो चार मिनट में भी श्लोक याद हो जाएगी, ठीक है। अरे बोलो ठीक है कि नहीं, हाँ क्या, आज उनको फोन करना बोला दीदी हमें रोज रोज एक एक श्लोक याद करवाओ, देखना वो वहीं से ही आपको याद कराएगी, ठीक है। हाँ क्या बोल रहा था, हाँ इसलिए भागवत में जब नव योगेंद्र नेमी महाराज नव योगेंद्र को प्रश्न करते हैं, उनका प्रश्न है
कहते जो माया है ना ये बड़ा ठगनी है। माया मतलब क्या है? जो जो चीज नहीं उसको वो बोलना माया। हम कहते ना संसार माया है। माया मतलब क्या है? जो जो चीज नहीं वो चीज को हाँ करना, यही माया है। यही माया है मतलब अनित्य असत्य है। इसलिए उन्होंने बोले ये माया बड़ी ठगनी है। अब कृपा करके बताओ जीव ये माया को कैसे पार कर सकता है, कैसे पार कर सकता है? तब इसका उत्तर देते हैं बोले तस्मात गुरुं प्रपद्येत। अगर ये माया से उत्तीर्ण होना चाहते हो तस्मात गुरुं प्रपद्येत, इसलिए क्या करो? गुरु जी के चरण में शरणागत हो जाओ। बोले गुरु जी के चरण में शरणागत हो जाएंगे लेकिन गुरु कर जान के और पानी पियो छान के। हम चाहते हैं गुरु हो, सब चाहते हैं ना गुरु हो, लेकिन हम कैसे गुरु चाहते? बोले सारे प्याज लहसुन भी खाए, मांस मछली भी खाए, चाय भी पिए, सब चीज हमारी बजाय रखे। गुरु किसी चीज को मना जैसे नहीं करे, ऐसे गुरु करनी चाहिए। जहां पर जाने पर ही सारे काम होता रहेगा और भगवान का नाम कर ले बस। कहते यहाँ पर कहते बोले नहीं है, बोले गुरु जी कहते एक तो गुरु होनी चाहिए संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय का गुरु होनी चाहिए। अगर वैष्णव संप्रदाय का गुरु नहीं हो तो कहते वो जो मंत्र है संप्रदाय बिना जो मंत्रास्ते है विफला मता। कहते अगर संप्रदाय से मंत्र ग्रहण नहीं करोगे वो मंत्र निष्फल हो जाएगा, मंत्र भी काम नहीं करेगा। लेकिन हर वैष्णव संप्रदाय में नियम, क्या नियम है? प्याज लहसुन मना, मांस मछली है, निशा द्रव्य, इस सब के संप्रदाय मना। अब विशेष करके हमारे गौड़ीय संप्रदाय में तो जितने शुद्ध विचार और कहीं दूसरे संप्रदाय के साथ चाय तो खूब पीते हैं, कोई गुटखा भी खाते हैं, कोई गुटखा भी, लेकिन हमारे प्रभुपाद का जो लाइन है ना प्रभु जी, एकदम प्योर लाइन, प्रभुपाद का लाइन एकदम प्योर एकदम है। इतना प्योर किसी वैष्णव संप्रदाय में नहीं है, इतना प्योर है प्रभुपाद का लाइन। इसलिए कहते साध्य परेच निष्णातम ब्रह्मनिप तमाशय। इसलिए पहला है सारी शास्त्र ग्रंथ में निपुण होनी चाहिए। अगर निपुण नहीं होएगा तो हमारी मन की जो शंकाओं को दूर नहीं कर सकते। कहते केवल क्या शास्त्र जानने पर हो जाएगा? बोले नहीं। कहते ये उनका तटस्थ लक्षण, बाहर का लक्षण है। बोले परेच, परेच मतलब होता है सचमुच से भजन परायण होनी चाहिए। केवल दूसरों को उपदेश देते हैं, दूसरों को केवल उपदेश देते हैं भजन करो भजन करो, खुद भजन में कोई मतलब नहीं। नहीं, भजन परायण होनी चाहिए और ये माया से दूर होनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भागवत ए रूप मुक्त गुरुदेव काचे शरणागत हो उपदेश दिए दिए छेन आमार जा किछु आछे सब छेड़े गुरुपाद पद में एकांत भावे आश्रय नित हवे। इसलिए शास्त्र यही देता है सदगुरु का चरण को आश्रय करते हुए भजन करनी चाहिए। और क्या करनी चाहिए? अमर जा किछु आछे हमारे पास में जो कुछ है क्या करनी चाहिए? सबको छोड़ करके गुरु पाद पद में एकांत भावे आश्रय। इसलिए कहते ये सारी चीज को गुरु जी के चरण में समर्पित करते हुए हमें एकांत रूप में भगवान की भजन हमें करनी चाहिए। इसलिए हमारे पास में जो कुछ है वो हमारी नहीं है, किसकी है? गुरुदेव का है। गुरुदेव का मतलब क्या है? ठाकुर जी का है। इसलिए हमारे पास में जो कुछ है सब के सब ठाकुर की सेवा के लिए ही सारे वस्तु। ऐसे भावना करते हुए हमें क्या करो? भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद हमारे सबसे बड़े कर्तव्य की जीवन में सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? हरि का भजन, भगवान की भक्ति। इससे बड़ा कर्तव्य जगत में हमारी कुछ भी नहीं, ठीक है ना?
बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम लोग थोड़ा कीर्तन कर लेते, ठीक है। वृंदावन वासी जत वैष्णवे रगाना प्रथमे वंदना करी सवारा चराना नीलाचल वासी जत महाप्रभु गाना ओमिते पड़िया बंद सवारा चराना नवदीप वासी सवर चरणाबंद करिया प्रणति जदेसे वैसे गौरंगे रगाना उर्दबाहु करी बंद सवर चरणा भैया छे नई सवर चरणा करिगासा ब्रह्मांड तरी ते सती करे जानी जाने वेद पुराणे गुण गाय जे वसुने महाप्रभु गा सब पतित पवना गाइलो मुई पाई दैनो शरणा वंदना करी ते कत शक्ति दारी काम बुद्धि दोसे मुई तब मात्र हरी तथापि प्रभु नित्यानंद।